सर, आप हमारी बात समझिए, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। हमारे पुलिस थाने में शराब की पेटियां मिलना, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अरे हमें तो समोसे की खुशबू से पता चल जाता है कि समोसे की दुकान का है, और आपके थाने में शराब की पेटी रखी और आपको पता ही नहीं। अरे हमने आपको महिला पुलिस समझ कर ये केस दिया था, और आप ऐसा कर रही है, बताइए भला। सर देखिए, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट हमने उन ऑफिसर से कहा भी कि हमें ये सब समझने का बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इंक्वायरी बिठा रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? आप जानती हैं, आपका ये स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट जा सकता है, ड्यूटी पर लापरवाही बरतने का आरोप लग सकता है। देखिए सर, आप हमारी बात सुनिए। अब शांत रहिए, आप मेरी बात सुनिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू होने से पहले इस केस को सॉल्व करिए, अन्यथा बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आप, समझ गए? समझ रहे हैं सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि दारू की पेटियां थाने में आ कैसे गया। हर वक्त हम में से थाने में कोई ना कोई होता है, तो फिर ये पेटियां यहाँ कैसे आ गया? किसी का नाम भी नहीं ले सकते, सब तो अपने लोग है, सब जांच परख के लोग है, फिर ये हरकत किसने किया है? समझ में नहीं आ रहा है हमको। सॉरी मैडम, पर मुझे ऐसा लगता है कि खुद अपने पर्सनल यूज के लिए किसी ने ऑर्डर की होगी शराब की बोतल। क्यों पुष्पा जी? अम्मा क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा वाहियात शौक कौन पालेगा? अरे होते हैं शौक मैडम, होते हैं लोगों के शौक, शक्ल से पता नहीं चलता, लेकिन मन ही मन में ना खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। क्यों पुष्पा जी? हमारा संतु कौन 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 ऐसा हरकत करेगा, तुम बताओ हमको। हो सकता है ना मैडम। क्यों पुष्पा जी? क्या चल रहा है तुम्हारा? अब से क्यों पुष्पा जी, क्यों पुष्पा जी करके हमारी तरफ क्यों देख रही हो तुम? क्योंकि पुष्पा जी आपने ऑर्डर किया तो आप ही की तरफ देखूंगी ना। क्यों पुष्पा जी? क्या कह रही हो तुम? ये बक्से हमने मंगवाए हैं। और नहीं तो क्या, आप ही तो फोन पर बात कर रही थी कि एक बॉटल से क्या होता है, इधर खुली उधर खत्म, मुझे तो पूरा का पूरा शराब का बक्सा चाहिए, आप ही बोल रही थी। अरे पुष्पा जी कोई बात नहीं, आप मान लीजिए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, स्ट्रेस की वजह से जरूरत पड़ती है चौक की। हाँ कौन सा स्ट्रेस है भैया, इनको हमको बताओ। है ना मैडम, यहाँ पर भी आप, घर पे भी। सॉरी। और आप, हमें आपसे ना ये उम्मीद नहीं था पुष्पा जी। अरे लेकिन हमारा भी, हमको समझ में नहीं आता था कि आप रोज रात को बालकनी में क्या करती हैं। बालकनी में? वाह। अरे वो तो अभी हम सोचे कि हमें बालकनी में स्टील का ग्लास क्यों मिला। स्टील? पुष्पा जी स्टील अच्छा नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन होता है उससे। आपको ग्लास चाहिए? मैं आपको ग्लास गिफ्ट करूं? और एक घंटा आप हम तुमको गिफ्ट करें? पुष्पा जी इतना चतुर आप निकलेगी, ये हमको नहीं पता था कि हमको कानो कान खबर नहीं पड़ी है कि आप रात भर ये क्या करती रहती है बैठ के। अभी हम सोचे कि आप मोरनी से शेरनी कैसे बन जाती है घर पे। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें बताने तो दीजिए। आप नहीं बताएंगी, हम बताएंगे, और वो भी लल्ला को भी बताएंगे कि आप पीठ पीछे क्या हरकत करती हैं। अरे एक मिनट, हमको पहले सच तो बोलने दीजिए। बोलिए। धन्यवाद। तो फिर सच का है? सच ये है कि इस जड़ बुद्धि ने सुना सही था मगर समझा गलत। हम फोन पर बोतलों की ऑर्डर दे रहे थे मगर वो शराब की नहीं, सैनिटाइजर की, और वो भी मैडम सर के कहने पर। उन्होंने कहा था हमको सैनिटाइजर की और मास्क की ऑर्डर देने के लिए। ठीक है रे पुष्पा जी, हम ही ने कहा था। फिर तो ये सवाल वहीं का वहीं रह गया, थाने में शराब की बोतल आई कहाँ से? उस दिन नाइट ड्यूटी पर चीता था ना? जी, उसे जरूर पता होगा कहाँ गायब है वो। मैडम सर हम ही थे रात की ड्यूटी पर, बिल्लू भी था हमारे साथ। मुझे क्या पूछ लीजिए, मैं तो सोया था, मुझे कुछ पता नहीं। झूठ का? अरे क्यों झूठ बोलू, अरे मैं कैदी हूँ यहाँ का भाई। बिल्लू नहीं था ड्यूटी पर, तुम थे। पुष्पा जी हमसे बोली थी कि सैनिटाइजर का बॉक्स आएगा तो डिलीवरी रिसीव कर लेना, तो वही समझ के हम रिसीव कर लिए। ए, कौन हो तुम लोग, चोर की तरह इसे घुसते रहे हो? अच्छा सैनिटाइजर डिलीवरी वाले हो, तो कायदे से करना चाहिए था ना यार, है कौन तरीका होता है, फोन ओन करके आना चाहिए था। बताओ 24 घंटे आदमी यहाँ पर ड्यूटी थोड़ी करता रहेगा, वैसे ही रात को जग कर हमारा डार्क सर्कल पड़ गया है। संतु जी हमको देखेंगे भी नहीं, देखो ना डार्क सर्कल पड़ गया है ना। अरे यार अरे क्या चिल्लन चिल्ली, नींद हराम कर दी।
अरे एक आम आदमी पुलिस के होते हुए चैन से सो नहीं सकता क्या? और ये कौन है? सैनिटाइजर डिलीवरी के लिए आए हैं। अच्छा सैनिटाइजर। हाँ तो गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छह? कौन बोला तुमको गिनने के लिए? बोला मतलब मदद कर रहा हूँ। कौन मांगा तुमसे मदद? ठीक है जिन्होंने डिलीवरी किया उनसे ही पूछ लेते। अरे भाई सुनो। हैं? दोबारा उन्हें देखोगे तो पहचान पाओगे। गारंटी तो नहीं देते हैं पर पूरा कोशिश करेंगे। हम सो रहे थे तो सोने के चक्कर में लोगों को देखे थे। हमको याद नहीं है ठीक से कि कौन कौन था वो लोग। नींद लगा था ना हमको बहुत जोर का। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आज से रोज सुबह आप सीसीटीवी पर चेक करेंगे कि चीता ड्यूटी पर सोता है या नहीं। जी। इतना बड़ा वाला टोपा हो तुम, दिमाग ना है घुटनों में? 6 शराब का पीट के आ गया, तुमने चेक नहीं किया, हमको बता नहीं सकते थे? तुम्हारे चक्कर में कितना बड़ा वाला मुसीबत हो गया तुमको पता भी है? क्या हुआ चीते, ऐसे क्यों मुंह लटका कर खड़ा है? और क्या करे संतोष जी, सब गड़बड़ कर दिए हम। ऐसा होशियार रहते, थोड़ा सा जिम्मेदार होकर वो पेटी सब चेक कर लिए होते तो इसे बखेड़ा खड़ा नहीं होता, इसे नौबत ही नहीं आता। लेकिन सब बिगाड़ दिए हम, एकदम फालतू का आदमी है हम। चीते खुद को ब्लेम मत कर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। वो अपने आप को भी दोषी मान रहा है। ये गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझे थोड़ी ना पता था उन बॉक्सेस में क्या है। चीते हम सब तेरे साथ हैं, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक बहुत अच्छा पुलिस वाला है। सब? हाँ चीते हम सब। कमाल है ना संतोष जी, मतलब आपके मुंह से ये सब बात सुनने के लिए ना हम वैसे कुछ भी कर सकते हैं। आज पहली बार जब आप ऐसे हमको बोल रही हैं ना तो हमको खुशी से ज्यादा अपना गलती पर अफसोस हो रहा है। जीते हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, दोबारा मत करना। और हसीना मैडम और करिश्मा मैडम है वो संभाल लेंगे। कुछ ओके क्या अपडेट? मैडम सर सारे सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। हाँ 11:30 बजे 2-3 आदमी पेटी लेकर अंदर आए और खाली हाथ वापस भाग गए। शक्ल नहीं देख पाए क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन हमको ऐसा लग रहा ना ये जानबूझकर ये साजिश किया गया हमारे महिला पुलिस थाना को बदनाम करने के लिए। एग्जैक्टली जरा सोचिए, सबसे पहले नकली शराब थाने में होने की फेक न्यूज का फैलना और फिर अचानक से क्राइम ब्रांच का यहां आकर पहले से रखी हुई शराब का इतनी आसानी से मिल जाना, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्लान है हमें फंसाने के लिए। मगर कोई ऐसा क्यों करेगा मैडम सर? हो ना हो ये जरूर आपके उन्हीं शुभचिंतकों में से एक होगा जिन पर आप आए दिन डंडे बरसाती रहती है ना। ऐसे कुछ गलत तो नहीं कहा हमने? देखिए ये किसने किया है ये पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंक्वायरी ऑलरेडी बैठ गई है और बहुत जल्दी कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी, इससे पहले हमें इस केस को सॉल्व करना होगा इस थाने की इज्जत को बचाने के लिए। मगर ये कैसे करेंगे मैडम सर? शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी फेक न्यूज से, उस जर्नलिस्ट का पता लगाइए जिसने इस न्यूज को फैलाया है और ये काम एक ही आदमी कर सकता है, सनी चड्ढा। हाँ जी आखिरकार याद आई गई, मैडम सर ने याद किया है ना। तुमको कैसे पता है कि मैडम सर तुमको याद कर रही हैं? अब रिपोर्टर हूँ, इतनी सी बात समझने की एफिशिएंसी तो रखता ही हूँ। ये चाहे झूठी हो मामला खबर का है, और सनी चड्ढा की याद तो आएगी ही महिला पुलिस थाने को। मैडम सर से बोली आ रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ ठीक है आ रहा मैडम सर। ग्रेट शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए।
कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना ये थाना तोड़ फोड़ देंगे। मैं फोर्स बुलाती हूँ। नहीं नहीं मत बुलाओ, आर्मी किसी को भी मत बुलाइए। मैडम से कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक काम करती हूँ, थाना बंद कर देती हूँ तो ये मोर्चा ही नहीं लगाएंगे। संतोष शर्मा, समस्या से भाग जाना समस्या का हल नहीं होता। अरे भाई शांत हो जाओ, तब चिल्लाओगे आला सूख जाएगा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, देखिए शांति से बात करते हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। तुम्हारी मैया की सासू मैया। करिश्मा सिंह रिलैक्स, इनकी कोई गलती नहीं है, आप शांत हो जाइए। ये लोग सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई गलत अफवाह फैल गई है। इनको सच्चाई पता चल जाएगी, इनका भरोसा वापस हो जाएगा। रिलैक्स। पुलिस अरे आराम से भाई, आराम से, क्या कर रहे हैं आप लोग? शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। अरे अरे क्या कर रहे तुम? देखो पुलिस पर ऐसे चप्पल नहीं फेंकते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अरे मैडम ये मैं आपको मारने के लिए नहीं लेके आया हूँ। क्या तो चप्पल मेरी टूट गई थी इसलिए मैं इसकी सुंदरता बना रहा हूँ। ठीक है ठीक है, फिर भी वहीं पे रुक जाओ, रुक जाओ। ए भाई मिलेगी क्या? क्या? अरे गुटे शराब मिलेगी मिलेगी, एक मिनट। ये तुम्हारा अभी टूट गया, अभी तुम्हारी बॉडी टूटेगी। इधर मैडम सर, सनिया जल्दी बताओ क्या अपडेट है? मैडम मैं जानता तो नहीं हूँ, पर सुना है मैंने इस पत्रकार के बारे में जिसने फेक न्यूज बनाई। पता लगाओ कौन है ये आदमी, किसके लिए काम करता है, इसके एक एक डिटेल्स चाहिए हमें। संतोष शर्मा आप सनी की मदद करेंगे? जी मैडम सर। आप लोग चाहें तो यहीं पर बैठकर काम कर सकते हैं। ये तो और भी अच्छी बात हुई। संतोष जी कहाँ बैठना है? प्लीज गेट टू वर्क, इस टेबल पे। कहाँ जा रही हैं आप? अपना काम करने जा रहे हैं मैडम सर। हमें समझ में नहीं आता है जो काम कंटाप मार के हो सकता है उसके लिए आप ये मधुर भजन क्यों बजवाती हैं? हमें परमिशन दीजिए ना, हम खोज के लाएंगे उसको जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मतलब सही गलत सोचे बिना आपके जो मन में आएगा वो आप करेंगे। मैडम सर आप नतीजा देखिए ना, तरीके से क्या फर्क पड़ता है? तरीके से हमें फर्क पड़ता है करिश्मा सिंह, ये हमारे काम करने का तरीका नहीं है। तो फिर आप कहाँ चाहती है मैडम सर कि हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, जबकि आप थाने के बाहर देख रही डेरा लग चुका है, थाने का छवि खराब हो रहा है, इंक्वायरी बैठ गया है, और आप चाहती कि हम ये सनी के निर्भर बैठे रहे? ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। हम और नहीं तो कैसा ही तो कह रहे हैं हम, आपको अपना डंडा तो काबू में रखना आता नहीं है, जब देखो जिसे देखो बस बरसाती रहती है, तो भुख तो देखिए। पुष्पा जी डंडा बंद करेंगे आप लोग? करिश्मा सिंह यहाँ के थाना इंचार्ज हम हैं, और आपसे ज्यादा इस थाने के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हमें फिक्र है, इसलिए जो करेंगे हम करेंगे। वैसे भी जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर खराब ही होते हैं, इसलिए आप हमारी परमिशन के बिना कुछ नहीं करेंगी। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन हमें नहीं लगता इस बार आपका तरीका काम आएगा। अच्छा, और आपका तरीका काम आएगा? बिल्कुल आएगा, आप हमें परमिशन देंगी तो हमारा तरीका काम आएगा। गनीमत है ये तो याद है कि आपको हमारे परमिशन की जरूरत है। दे देंगी तो अच्छा है मैडम सर, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है, फिर ना तो ये परमिशन लेने वाला बचेगा और ना परमिशन देने वाला। हेलो बंडल भाई कैसे हो? आजकल कौन से थाने के लॉकअप पे हो? ओके ओके ओके, वो खिड़की से व्यू कैसा है? खाना पीना? अरे हाँ वो लेट का आना जाना कैसा है? नहीं नहीं मेरा बिल्कुल ही मस्त, एकदम सेट है, बेस्ट है। हाँ रखता हूँ। हाँ इसका तो कुछ भी नहीं है। हाँ इसका ये चड्डे, कुछ उम्मीद है? है ना है? आपके बेघर होने की उम्मीद है? चड्डे चड्डे तुझसे उम्मीद है चड्डे, चड्डे बचा ले इस थाने को और मेरे बिल्लू निवास को चड्डे, वरना मैं घर से बेघर हो जाऊंगा चड्डे। अबे छोड़, पूरी शोर चबा जाएगा क्या?
चबा तो मैं उस आदमी को जाऊंगा जिनकी वजह से ये झूठी खबर फैली है। बस चड्डे, एक बार उस आदमी को मेरे सामने खड़ा कर दे, मैं उसको च्युइंगम की तरह चबा के हवा में फुग्गे की तरह फोड़ ना दूं, तो मेरा नाम बिल्लू चंपत नहीं। ये बिल्लू चंपत है बाबू। अरे तुम चिंता बिल्कुल छोड़ दो यार। पक्का और दूसरा नाम सोच लो। काहे कि इसके रहते तुम्हारा नाम बचने वाला तो है नहीं। हाँ तो तूने तो थाने की बहुत मदद कर ली, रात भर सोके। देखो हमसे बकायदे कोशिश कर। हाँ मैं देख रहा हूँ तेरी कोशिश के नाम पे तू कंपनी एंजॉय कर रहा है। चड्डे अगर मेरा घर उजड़ गया ना तो मैं तेरा घर भी बसने नहीं दूंगा, समझे बिल्लू। अरे काहे चिंता करते हो भाई, एक हफ्ता में सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। एक हफ्ता? हाँ। अरे यहाँ एक एक पल पहाड़ की तरह गुजर रहा है और तुम कह रहे हो कि एक हफ्ता? सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे बिल्लू निवास उसका इंटीरियर चेंज करना है जल्द से जल्द, समझे? और तुम इधर उधर का काम बंद करो और सिर्फ इस काम पर ध्यान दो। इट्स एन ऑर्डर, इट्स अर्जेंट, कैरी ऑन। ऐसा मतलब हसीना मैडम कहेगी तो आपको करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैंने ही पहले बोल दिया। बताओ। हाँ तो ये मेरा बनाते हैं, इसमें मुझे पूरा शक है, पर ये मिल गया ना मुझे पूरा डाउट है। क्या ये कौन है? ये मार्केट वालों बाहर आ जाओ। बिल्लू बिल्लू कॉलिंग, आई लव यू। बिल्लू ये क्या कर रहा है तू? नीचे आ। अरे नीचे आ यार। अरे यार तुम मुझे अपनी बात कहनी है। मैं बिल्लू चंपत, यही इतना सा था तो पहली बार गिरफ्तार होके यही आया था। बिल्लू चोर, उसको इतना प्यार मिला, दुलार मिला, यही का हो गया ये बिल्लू चंपत। ससुरी चोर, ये बिल्लू चंपत किसी भी जेल में उसके मर्जी के खिलाफ एक दिन के ऊपर नहीं ला। बिल्लू जिसका सरनेम चंपत है, प्यार से चंपत नहीं हो पाया, यही कहोगे रहेगा मैं। अरे इस थाने को अपना घर समझा, ये सब लोगों को अपना परिवार। बिल्लू 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 पीछे जाओ। बिल्लू बेटा देखो, हम तुम्हारे माँ जैसे हैं ना, हाँ तो अपनी माँ की बात नहीं मानोगे तुम? तुम्हारी माँ की? मेरी माँ की बात सुनते यार, चलो आपके घर चलते, चलो हमारे। ये जो तुम्हारा बिल्लू निवास है ना, उसे कुछ नहीं होगा, फिलहाल तुम नीचे आ जाओ। हाँ घर जाने का जरूरत नहीं, घर से बच जाएगा। नहीं जाऊंगा, फोड़ जाऊंगा। अरे ये बिल्लू, अरे अरे रुक, अरे रुक रे, थोड़ा एक फोटो ले दे रे। पन्ना कुछ भी क्या बके जा रहे हो तुम, सच में कूद जाएगा वो। पीछे 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 जाओ जाओ, चद्दर लेकर आओ। हाँ अगर ऐसे तो गिरेगा तो पापड़ हो जाएगा। संतोष जी आराम से, बाल खराब हो जाएगा आपका। अरे बिल्लू गिर के कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना भी ऊंचा नहीं है, गिरोगे तो सब हाथ पैर ही टूटेगा, आप ही का नुकसान है इसमें। और कुछ ना भी हुआ ना तो करिश्मा मैडम है ना तेरी हड्डी तोड़ने के लिए। वही तो। अरे नाश्ते में दो अंडे और करिश्मा मैडम के दो डंडे मिले तो ऐसा लगा कि जिंदगी मिल गई। लंच में दाल भात और साथ में हसीना मैडम का जज्बात मिला तो जीने का मकसद मिल गया। और मेरा भाई चित्ते ए बिल्ले बेटा, बहुत पगलैती हो गया अब तुम्हारा। और ए भैया का फिल्म चल रहा है, रिकॉर्ड बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर। अरे यार दीदी जा नीचे। जय हिंद सर। जय हिंद मिस मलिक। हमने सोचा आपको फोन करके पूछ लें कि पड़ताल कहां तक पहुंची। क्या है ना मिस मलिक,
कि प्रेशर बहुत है, तो हमने सोचा कि आपसे पूछे कि जवाब क्या दें हम डिपार्टमेंट को। हाँ सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। हम सब जानते हैं मिस मलिक, हम आपकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, डिपार्टमेंट का नाम रोशन करें। जी सर, जानते हैं हम। और आपको पता, हम हमेशा से चाहते हैं कि महिला थाना रहे, ताकि महिलाएं आए, अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी आपसे बांट सके और महिलाओं में भय मुक्त वातावरण हो। लेकिन हो क्या रहा है मिस मलिक, आप तो जानती हैं कि जिस महिला थाने को देखकर महिलाओं में अपनी सुरक्षा की भावना आना चाहिए, उसी महिला थाना को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना? हाँ सर, होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि ये सब झूठ है। इस महिला पुलिस थाने को बदनाम करने के लिए जानबूझकर नकली शराब की बोतलें वहाँ पर रखी गई हैं। और झूठी अफवाह फैलाई गई है कि महिला थाना शराब बेच रहा है, और यही सच है सर। हम सब जानते हैं मिस मलिक, सच जितनी जल्दी साबित हो जाए उतना अच्छा, वरना सच और झूठ में कोई फर्क नहीं रह जाता। समझ गए? जितनी जल्दी हो सके लोगों के सामने सच लाइए, ताकि आपका ये महिला थाना बना रहे और महिला पुलिस थाने के लिए वो भरोसा जिसे आपने इतनी मेहनत करके हासिल की है। ऐसा लगेगा जब आपके सामने इतनी मेहनत करने के बाद भी थाना बंद होते दिखेगा। तो जितनी जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व कीजिए और थाने को बचाइए। जी सर, हम कर रहे हैं। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.